नमस्कार एंड हेलो एवरीवन, वेलकम टू धर्मीज केक एंड बेक। और न्यू ईयर के बाद ये हमारा पहला वीडियो है, तो विशिंग एवरीवन अ हैप्पी न्यू ईयर। और आज हम यहाँ रेड वेलवेट केक बनाने वाले हैं। तो यहाँ मैं स्पॉन्जेस रेडी करके रख दे रही हूँ, और क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग के लिए मैंने यहाँ क्रीम चीज़ को निकाल लिया है। ये जो डिलेक्टा का छोटा पैकेट आता है वो क्रीम चीज़ है। अब मैं यहाँ उसमें व्हिपिंग क्रीम मिक्स करूँगी और अच्छे से हम इसे बीट कर लेंगे ताकि यहाँ रेड वेलवेट का फ्रॉस्टिंग रेडी हो जाए। इसे बीट करना है, मिक्स नहीं करना है। मिक्स करने से व्हिपिंग क्रीम थोड़ा सा स्प्लिट हो जाएगा, इसलिए इसे इलेक्ट्रिक बीटर से ही हम बीट कर लेंगे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ हमारा बहुत ही स्मूथ और प्यारा सा क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग रेडी हो गया है। तो इससे ही हम रेड वेलवेट का फ्रॉस्टिंग कर लेंगे। तो यहाँ मैंने मेरा फर्स्ट टायर ले लिया है जो मैंने 8 inches में बेक किया था, और ये मेरी 2-tier रेड वेलवेट केक है। ये मेरा 2-tier रेड वेलवेट का फर्स्ट ऑर्डर है, और ये ऑर्डर हमारे जो रेगुलर क्लाइंट हैं उन्होंने दिया था, और वो बहुत ही खुश थे केक के साथ, टेस्ट को लेकर भी। हालांकि वो फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे थे लेकिन उनको बहुत ही अच्छा लगा था। तो अब हम यहाँ क्रंच के लिए चोको चिप्स ऐड कर देंगे, और इस तरह से हम पूरी केक की लेयरिंग और क्रम कोटिंग कर लेंगे। और बहुत सारे फ्रेंड्स कमेंट्स करके बताते हैं कि आप केक के प्राइस नहीं बताते हो, तो आज मैं यहाँ सबसे पहले केक का प्राइस बता देती हूँ कि ये केक मैंने 1100 पर केजी सेल किया था। और जो बेकर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप भी अपने एरिया के हिसाब से रेड वेलवेट के प्राइस बताएगा तो मुझे भी समझ में आएगा। तो यहाँ मैंने सेकेंड टीयर 6 inches में बेक कर लिया था, और उसी तरह से फ्रॉस्टिंग कर लिया जैसे हमने फर्स्ट लेयर को किया था, और इस तरह से हमने क्रम कोटिंग कर लिया है। तो हमारा जो फर्स्ट टीयर था वो अच्छे से सेट हो गया है, तो उसका अब हम फाइनल फिनिशिंग कर लेंगे। और फाइनल फिनिशिंग के लिए मैंने यहाँ सिंपल वाइट व्हिप क्रीम ले ली है। मैंने जो आउटर लेयर है, फिनिशिंग वाला लेयर है, उसमें क्रीम चीज़ ऐड नहीं किया है, सिर्फ मैंने बीच में फ्रॉस्टिंग के लिए क्रीम चीज़ यूज़ किया था। तो इस तरह से अब हम यहाँ इसकी कोटिंग भी कर लेंगे और यहाँ केक की फाइनल फिनिशिंग भी कर लेंगे। तो अब यहाँ हम जिगजैग स्क्रैपर के साथ केक के साइड वॉल्स पर इस तरह से डिज़ाइन भी कर लेंगे। तो यहाँ हमारा फर्स्ट ईयर रेडी हो गया है। तो यहाँ बहुत ही सिंपल डिज़ाइन के साथ मैंने रेडी कर दिया है। तो सेम मेथड से हम यहाँ सेकेंड टीयर को भी रेडी कर देंगे। डिज़ाइन भी हमने सेम रखा है, और व्हिप क्रीम के साथ ही हमने सेकेंड टीयर को भी फाइनल फिनिश कर लिया है। तो यहाँ हमारा सेकेंड टीयर भी रेडी हो गया है। अब हम ये सेकेंड टीयर को फर्स्ट ईयर पे प्लेस कर देंगे। अब आराम से हम यहाँ केक को रख देंगे, और धीरे धीरे हमारा जो पैलेट नाइफ है वो बाहर निकाल लेंगे ताकि जो फिनिशिंग है वो ख़राब ना हो। तो हमने यहाँ पे न्यूट्रल जेल ले लिया है, जिसमें मैं 4 से 5 ड्रॉप रेड जेल कलर के ऐड करूँगी, और इसमें मैं यहाँ एडिबल ग्लिटर ऐड करूँगी। मैंने सिल्वर कलर का ग्लिटर ऐड किया है, आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, लेकिन एक शाइनी लुक देने के लिए मैंने ये ऐड किया था, क्योंकि ये रात को केक जाने वाला था और बर्थडे स्पेशल था, तो थोड़ा शाइनी होगा तो अच्छा लगेगा, तो इसलिए मैंने ऐड कर लिया था। तो इस तरह से ये कुछ हमारी न्यूट्रल जेल की कंसिस्टेंसी मैंने रखी थी। अब हम ये न्यूट्रल जेल को पाइपिंग बैग में फिल कर देंगे और केक पर लगा लेंगे। मैं जो फर्स्ट ईयर है वो पूरा यहाँ ये न्यूट्रल जेल से कवर करने वाली हूँ। आप चाहो तो कोई भी डिज़ाइन यूज़ कर सकते हो, मैं तो आपके साथ सिर्फ आइडिया शेयर करती हूँ ताकि आपको भी आइडिया आए और आपको भी जब भी केक बनाना हो तो आसानी रहे। तो यहाँ जो मेरा फर्स्ट ईयर है मैं वो इस तरह से न्यूट्रल जेल से कवर कर लूँगी। मैं पूरा जो टॉप लेयर है वो कवर नहीं करने वाली हूँ, लेकिन फर्स्ट लेयर है वो अच्छे से मैं पूरा न्यूट्रल जेल से कवर कर लूँगी। अब हम रोजेस बनाने वाले हैं जो हमारे फाइनल डेकोरेशन के लिए जाने वाले हैं। तो उसके लिए मैंने रोज़ नेल पर यहाँ जो छोटे साइज़ का रोज़ पेटल बनाने का नोज़ल आता है वो ले लिया है। तो सबसे पहले यहाँ मैं बेस बना लूँगी, उस पर मैं पूरा रोज़ बना लूँगी। हमने बर्ड बना लिया था बीच में, फिर हम यहाँ सी शेप में उल्टा सी बनाते जाएंगे, और एक पेटल के बीच में से दूसरी पेटल हमें निकालेंगे। तो इस तरह से हमारा कुछ रोज़ रेडी हो जाएगा, लेकिन ये रोज़ बहुत ही छोटा लग रहा था केक के हिसाब से, तो फिर मैंने R11 के रोज़ बना लिए थे और वो शूट लेना मैं भूल गई, इसलिए मैं यहाँ मेथड ये दिखा रही हूँ। मेथड सेम ही है,
सिर्फ बाद में मैंने बड़े साइज के रोजेस बना लिए थे। तो आप देख सकते हो कि हमारा रोज बहुत ही अच्छे से बन गया है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो रोज भी आराम से आप बना सकते हो। तो इस तरह से मैंने सभी रोजेस बना लिए थे और केक पर अरेंज कर लिया था। अब मैं यहाँ पाइपिंग बैग में छोटा सा कट लगाकर इस तरह के कुछ लीव्स बना लूँगी और सेम पाइपिंग बैग में मैं वी कट करके इस तरह से लीव्स बना लूँगी। और ये लीव्स बहुत ही अच्छे लगते हैं और थोड़े से बड़े साइज में बनते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो यहाँ हमारे एक ही पाइपिंग बैग में से इस तरह से हम दो लीव्स बना सकते हैं, वो भी बिना नोज़ल के। तो यहाँ हमारा केक रेडी हो गया है जो बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन इसे बॉर्डर देना भी ज़रूरी है ताकि एक कंप्लीट लुक केक का आ जाए। तो मैंने यहाँ क्लोज स्टार नोज़ल से इस तरह से शेल बॉर्डर दे दी है। तो हमारा यहाँ केक कंप्लीट हो गया है। और आपको ये केक कैसा लगा वो भी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और आपकी कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। तो केक को यहाँ फाइनल टचेस देने के लिए मैंने यहाँ सिल्वर जो स्प्रे आता है वो ऐड कर लिया है, क्योंकि ये रात को केक जाने वाली है तो ये लाइटिंग्स के साथ बहुत ही अच्छी लगेगी और ज़्यादा ही चमकेगी, इसलिए मैंने इस तरह से सिल्वर स्प्रे भी स्प्रे कर लिया था। आप चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हो। तो बहुत सारे फ्रेंड्स हमें कमेंट्स करके बताते हैं कि मैम आप कैसे इसकी पैकिंग करते हो। तो मैंने यहाँ दोनों 1 kg के बॉक्सेस ले लिए हैं, दोनों को मैं बेस से अटैच कर दूंगी और सबसे पहले हम केक रख देंगे और उसके बाद हम आगे से बॉक्स को अटैच कर देंगे। और उसके बाद मैंने स्टेपल भी कर दिया था एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए, और फिर हम दोनों को ऊपर से ट्राइंगल शेप में ज्वाइन कर लेंगे। आपको पता ही होगा, आपने देखा भी होगा, तो मैं यहाँ इस तरह से कुछ मेरे 2 tier के केक्स पैक करती हूँ। तो साइड से भी इस तरह से स्टेपलर कर देंगे ताकि ये खुल ना जाए, और उसके बाद हम इसे बैग में डालकर डिलीवर कर सकते हैं। तो आपको ये आज का वीडियो कैसा लगा वो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलेंगे ऐसी ही आसान सी केक रेसिपीज़ के साथ। बाय बाय।